साइबर मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। अभिनंदन। जैसा आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है उसको जब से देश के लोगों के सामने रखा है, कांग्रेस में बहुत छटपट आहट है, बहुत परेशानी है। क्योंकि कांग्रेस अब परिवारवादी, तुष्टिकरणवादी सोच के साथ साथ अब माओवादी सोच के लिए उस सोच को आगे बढ़ा। तभी उन्होंने 60 के दशक में जो उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति, चुनाव जीतने का जिसका हथियार बनाया था, लेकिन 2014 में हमारे यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी ने विकास को चुनावी एजेंडा बनाकर देश के सामने ले गए थे और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने लोगों की जो आर्थिक कमाई है, संपत्ति है, अब उस पर अपना पंजा मारने की कोशिश की शुरुआत। जैसे उन्होंने कहा है कि हम देश में सर्वे कराएंगे, किसके पास कितनी जमीन है, कितने बैंक में पैसे हैं, कितने मकान हैं, कितने जेवर हैं, और उसकी जो छुपा हुआ एजेंडा है फिर उसको उसी तरह, जैसे उन्होंने कई बार आपने देखा होगा अगर 60 के दशक में देखें तो उन्होंने '63 और '74 में जो कानून पास किए थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के वाली कांग्रेस सरकारों ने इनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके तहत करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना होता था। जमा की धनराशि 3 से 5 वर्ष तक के लिए सरकारी खजाने में रहती थी। हैरानी की बात यह है कि कानून 1974 में लाया गया था और तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। मतलब वो लोगों की कमाई से देश को सशक्त करना चाहते हैं। लोगों की मतलब कमाई को जब्त करके, और मोदी जी की सरकार लोगों की कमाई बढ़ाकर देश का विकास करना चाहती है। ये नहीं बताते हैं कि इस पैसे को कितने दिन रखा जाएगा, कितने दिन में दिया जाएगा। ऐसे ही राहुल गांधी जातीय जनगणना के बाद जमीनों को और आवास योजनाओं के मकानों को एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को, या एक जाति से दूसरी जाति के लोगों को स्थानांतरित करना शुरू कर दें। आपको विभाजन याद है, जब धार्मिक आधार पर विभाजन के कारण लोगों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, राहुल गांधी ज्यादा जाति के आधार पर ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी ने निजी और सार्वजनिक कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के समावेशन को मापने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए डाइवर्सिटी कमीशन बनाने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि जो कंपनियां मानदंडों को फॉलो अप नहीं करेंगी उन्हें दंडित किया जाएगा। इसलिए इस संभावना को खारिज नहीं करेगी। राज्य आपको बताएगा कि आपने व्यवसाय के लिए कैसे और किसकी नौकरी पर रखना है, अन्यथा अधिक कर भुगतान करना होगा। हेलो, सरकारें आपको बताएंगी आपको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। इनके घोषणा पत्र अगर नहीं रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा।
इसी तरह राहुल गांधी एक निश्चित सीमा से ऊपर नकदी प्रवाह वाले व्यक्तियों या खातों की संपत्ति को जब्त करने वाले कानून की वकालत करते हैं। इसके बाद सरकार पुनर्वितरण योजना शुरू करती है। कल्पना कीजिए, यदि राज्य आपका दूसरा घर या कोई आवास अवकाश या सेवानिवृत्ति गृह जब्त कर ले, और यह क्या कहते हैं, आपने देखा होगा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यक हो रहा है। ऐसे ही ठीक अब भी वही कोशिश हो रही है। क्या हो रही है, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, जिन्होंने कर्नाटक में किया, कई जगह किया। उसमें ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% आरक्षण दिया जाए। धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे। धर्म परिवर्तन कर लिया फिर भी उसको एससी का रिजर्वेशन मिलता रहे। आपको याद होगा मुसलमानों को संसार में पहला देना सिर्फ बयान नहीं था, 2006 में दिया था। इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में ही जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। मतलब एससी के आरक्षण में भी मुसलमानों को घुसाया जाए, ये उसके तब के चीफ जस्टिस और उसके सांसद कांग्रेस के सांसदों ने तब कहा था, जिसकी अभी के घोषणा पत्र में जो छुपा हुआ एजेंडा। यह भी सिफारिश की गई कि कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ओबीसी के 27 से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी कांग्रेस द्वारा गठित इस आयोग ने की थी। मनमोहन सिंह के बयान से ठीक एक महीना पहले आपको मालूम है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने यह गलत बयानी की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। यह विचार है कि भारत के संसाधनों पर पहला मुसलमानों को पहला अधिकार है और गरीबी और हाशिए पर रहने वाले एससी एसटी और महिलाओं की छोटी बचत सहित भारतीयों की संपत्तियों को अल्पसंख्यकों के बीच पुनर्वितरित किया जाना चाहिए कांग्रेस में गहराई से व्याप्त है। और कहने का मतलब है जब मुसलमान एससी और एसटी से भी ज्यादा गरीब है तो उनकी भी संपत्ति को कम करके उनमें बांटने की एक चाल इस इनका एजेंडा है। कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम सिद्धरमैया ने कुछ महीने पहले एक भाषण में दोहराया था कि मुसलमानों को देश की संपत्ति पर अधिकार है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें यह मिले। सिद्धरमैया ने कहा यह खतरनाक और विभाजनकारी है। कांग्रेस भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली है। और आप देखेंगे अभी गोवा में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है ब्रिएटो फर्नांडीज, उसने क्या कहा है कि गोवा जब पुर्तगाल से अलग हुआ तो जबरदस्ती भारत का संविधान गोवा पर लादा गया। मतलब ये विभाजनकारी नहीं है तो क्या है। कांग्रेस के उम्मीदवार ये कह रहे हैं, कांग्रेस खंडन नहीं करती है तो क्या कहते हैं वो लोग। इसी तरह कांग्रेस गरीबों पिछड़ों दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को कम करके उसको मुसलमानों को देना चाहती है और उसने इस तरह के प्रयास अनेकों बार 60 और 74 के दशक में आंध्र प्रदेश में भी किए हैं और कर्नाटक में तो किया ही किया, क्योंकि उनको उसमें डालना चाहती है। इसी तरह मित्रों आप देखेंगे वो मैंने बताया दिया कि लोगों की एफडी होगी, माताओं बहनों के सोने होंगे,
और इन सबको बांटने की एक कोशिश कांग्रेस के घोषणा पत्र के एजेंडा में है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, ये भी अपने घोषणा पत्र में कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि हम यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। अब ये तुष्टिकरण की नीति नहीं है तो क्या है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन की 50% की सीमा को खत्म किया जाएगा। अब देखिए और इसे बढ़ाया जाएगा, मतलब यह बढ़ा हुआ आरक्षण किसको देंगे? क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लगभग हर सेक्शन में अल्पसंख्यकों की बात कही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामलों में बढ़ती असमानता को समाधान करेगी। मतलब जिन पे जो धन है उसको बांटा जाएगा। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। अगर आप इन सबको मिलाते हैं तो 90% से ज्यादा आबादी इन लोगों की बनती है। मगर आप अगर हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, इन इंस्टीट्यूशन में, इन संस्थाओं में दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने इतना कहा, इसलिए हमने वादा किया है जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, जो आपका हक बनता है हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। पूरे देश की संपत्ति का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्वे कराएंगे, नौकरियां जबरदस्ती उनमें देने का करेंगे, एक देश के पूरे ताने बाने और सारे देश की प्रॉपर्टी को सर्वे कराकर उसको छीन कर हम सब में बांटने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं इनका हिडन एजेंडा है, खुद कह रहे हैं उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा। मतलब परिवारवादी, तुष्टिकरण और अब माओवादी, कितने देशों को इस माओवादी सोच ने बर्बाद कर दिया। आज कांग्रेस भी जिस माओवादी सोच के कारण अनेकों देश तबाह हो गए, आज कांग्रेस उस फिर माओवादी सोच को भारत में लाना चाहती है, एक बढ़ते हुए भारत को, एक श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए भारत को रोकना चाहती है। मतलब इतनी घृणित सोच, और समय रहते हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका एजेंडा उनके मैनिफेस्टो से पकड़ लिया तो तिल मिलाई हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने अभी 6 अप्रैल को 2014 को तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा
वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। जिन लोगों का देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान, जो देश में रोजगार भी देते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान, मतलब उनके खिलाफ आज कैसी सारी संसी जा रही है, आज निकालना क्या चाहते हैं। देश फिर उसी 60 के दशक में चला जाए, मतलब ये इस देश में माओवादी सोच को पैदा करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, और एक सब इनकी एक जो तुष्टीकरण की इनकी जो छुपा हुआ हिडन एजेंडा है, उसके लिए पूरे देश को दांव पर लगाना चाहते हैं, एक गृह युद्ध जैसे हालात देश में पैदा करना चाहते हैं, लोगों की संपत्ति को हड़प कर ये किसमें बांटना चाहते हैं, ये इनका पर्दा हट गया है। इसलिए जिस सोच के लिए इन्होंने इस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, मैं समझता हूं ना ये देश के हित में है, ना देश में व्यापार करने वालों के हित में है, ना कारोबार करने वालों के हित में है, और ना उन लोगों के हित में है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए मकान बनाए हैं, अपने मकान बच्चों के लिए FD कराई है, अपनी पत्नियों के लिए जेवरात मंगलसूत्र बनाए हैं। इसका मतलब यही है कि जिन्होंने मेहनत कर अपने आप को स्थापित किया है, उन संपत्ति की सबकी संपत्ति पर इनकी नजर है, और ये वो उसको लूटकर उन लोगों में बांटना चाहते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो अपने लिए न संसाधन जुटाना चाहते हैं। इसलिए मेहनत करने वाली की कमाई को लूटकर ये किसमें बांटना चाहते हैं, ये इनकी घोषणा पत्र में जाहिर है। इसलिए ये देश कभी भी इनकी इस माओवादी सोच को देश में पनपने नहीं देगा, क्योंकि आज देश के लोगों को विकास चाहिए, और मोदी जी ने 2014 में इस देश में विकास का एजेंडा तय कर दिया है। अब ये देश माओवादी सोच पर नहीं चलने वाला, ये विकास के एजेंडे पर चलने वाला है, और मैं समझता हूँ जो इनका ये हिडन एजेंडा इनके घोषणा पत्र में है, देश की जनता इसको समझ गई है, और इसको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, और इनको इसका भुगतान भी चुनाव में करना पड़ेगा। कुछ और मंत्री जी, आपने अभी जो पूरा का पूरा पढ़ के बताया है, इसमें तमाम जो बातें हैं उनमें से आप बात करें जो रोजगार की बात आपने कही कि भाई रोजगार देंगे उन लोगों को, तो रोजगार देना कौन सी बड़ी बात है? रोजगार नहीं, उसने ये कहा है, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सरकार तय करेगी। नहीं, आपने ये मैंने कहा है सरकार ये तय करेगी किस इंस्टीट्यूशन में, किस कारखाने में, किन संस्थाओं में कौन लगेगा, ये सरकार तय करेगी। मैं कोई व्यापार चलाता हूँ, मुझे कॉम्पिटेंट आदमी की जरूरत है, मुझे टैलेंटेड आदमी की जरूरत है, आप धक्के से कहोगे इसको लगाना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? ये तो अभी हरियाणा में भी हुआ है, लोकलों को नौकरी दो, तो अगर वो नहीं देंगे लोकलों को नौकरी तो उनको अगर वो टैक्स अलग से लेंगे नहीं, तो उसमें क्या बुरा है? क्या क्यों टैक्स अलग से लेंगे भाई? जिस आदमी को भाई, मुझे कोई कंपनी चलाता हूँ, उस कंपनी में मुझे किस तरह के स्किल वर्कर की जरूरत है, अनस्किल की जरूरत है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी को चलाता है, या ये वो अब तो रशिया भी उस सोच पे नहीं है, अब तो चीन भी उस सोच पे नहीं है, माओवादी सोच पे वो भी उससे निकल गए हैं। लेकिन तुम धक्के से काम करने वालों को, जिन्होंने मेहनत कर अपने साधन इकट्ठे किए हैं, आप उनके सर्वे कराओगे, उनको बांटोगे? पहले भी इन्होंने 60 और 74 के दशक में एक किया है, 50% अल्पसंख्यक को देने की बात नहीं होगी ये। और इन्होंने देखिए, अब ये कहते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो SC रहेंगे,
और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक में एससी भी है उनको भी रिजर्वेशन, तो किसका रिजर्वेशन कटेगा? इस देश के आदिवासी का, इस देश के अनुसूचित जाति का, जनजाति का, मतलब उनका रिजर्वेशन काट कर अब किसको देना चाहते हो? मंत्री जी आपने हिंदू मुसलमान की बात की है, हिंदू मुसलमान बात नहीं की है, मैंने ये कही है माओवादी सोच की बात की है। आपने बताया खुलकर विपक्ष या कांग्रेस करके मुसलमानों की फेवर करता है, ये पहली बार नहीं, इन्होंने दो मनमोहन सिंह ने पिछली बार भी 2010 और 11 में उन्होंने कहा था, आप मुझे आज भी याद है, आपको भी याद है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या मतलब है? और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। अब कितना अंतर है सोच में? बिल्कुल गरीबों का है। मेरा सवाल ये है कि देश के लिए हिंदू मुसलमान ज्यादा खतरनाक है या फिर जाति को या समाज को वर्गों में बांट देना, जाट गुजर बनिया या अति पिछड़ा वर्ग को भी, मतलब पिछड़ा वर्ग को भी अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन मोदी जी की सोच अलग है। मोदी जी की सात, मोदी जी ने चार जातियां बताई है इसमें, गरीब बताया है, महिला बताया है, युवा बताया है, किसान बताया है। तो मोदी जी की तो चार जातियां हैं, इन चारों के लिए काम करना है। लेकिन ये तुष्टिकरण के कारण, एक खास समुदाय का वोट लेने के कारण ये आज देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए गरीब में मोदी जी की सोच, गरीब में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है, और अल्पसंख्यक में कौन आता है? आज मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ क्या अल्पसंख्यकों को नहीं मिलता? ज्यादा मिलता है, कोई भी योजना ले लीजिए। लेकिन आप किसी का हक काट के किसी को देंगे? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है कि जो नींव जो देश का भविष्य निश्चित करती है, यानी कि बच्चे का जब एडमिशन होता है उस समय जाति क्यों पूछी जाती है, या फिर जो कानून बनाते हैं संसद के अंदर वो जाति के बेस पर टिकट क्यों दी जाती है? नहीं नहीं, देखिए कोई जाति के टिकटों का जाति से कोई लेना देना नहीं, जाति के आधार पर कोई किसी पार्टी के संविधान में नहीं है जाति के आधार पर। सर्वे होता तो यही होता सर्वे की जाति, सर्वे किसका होता? सर्वे उसका होता है कि कौन प्रत्याशी अधिक मजबूत है, कौन कमजोर है, उसके सर्वे पार्टियां कराती। कंगना के केस में क्या सर्वे किया गया? किसमें? कंगना राउत किस बेस पर ली गई? मंत्री जी उनका कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में एक शब्द भी कहीं मुसलमान नहीं लिखा है, जो कांग्रेस का ही कहना है, जो कैसे नहीं है? अब वो बता रहे हैं, उनका यही कहना है, तमाम नेता जो है कहते हैं। तो उनकी एजेंडा पकड़ा गया तो उनको छटपटाहट है। ये किसने कहा था इस देश में इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक, किसने कहा था? तो जैसे अभी आपने गोवा का जिक्र किया, क्या वो देश को बांटना चाहते हैं? जो गोवा के उनके प्रत्याशी ने कहा है कि जबरदस्ती पुर्तगाल शासन होने के बाद गोवा पर ये भारत का संविधान जबरदस्ती लाद दिया गया, ये उनके उम्मीदवार ने कहा। विपक्ष ये कहती हुई नजर आ रही है सर कि किशन पाल ने सिर्फ अपना विकास किया है, फरीदाबाद का नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अब विपक्ष तो कुछ भी कहे, विपक्ष को कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मैं किसके बारे में क्या कहूँ, तो बात थोड़ी है, ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। जनता ही ये बात कहती है, सर्वे होता है तो जनता ही ये बात कहती है, कभी कोई विकास नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं आता, बीजेपी का जो हालात है आजकल देखिए, अभी चुनाव में पता चल जाएगा ना मंत्री, फैसला लोग करेंगे, फैसला आपके कहने से नहीं होना, लोग करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, देश के लोग भी तय करेंगे, हरियाणा के लोग भी तय करेंगे, फरीदाबाद लोकसभा के लोग भी तय करेंगे, फिर 4 तारीख को आपसे बात करेंगे कि विकास हुआ है नहीं हुआ। कांग्रेस पहुंच गई है शिकायत लेकर कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि आपने 3 बार कोर्ट किया मनमोहन सिंह को, जब कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन जो कथन था प्रधानमंत्री का वो था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं नहीं, किसने कहा था ये? अभी पीछे जो रैली हुई है। नहीं नहीं, तो अल्पसंख्यक उन्होंने उसी के लिए, या तो फिर बीजेपी टारगेट करना चाह रही है सिर्फ टारगेट नहीं, सोच का फर्क बता रहे हैं वो। मैंने कहा ना, मोदी जी ने भी कहा कि पहला हक गरीबों का है, गरीबों में सब आते हैं, उसे मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, तो मोदी जी ने गरीबी को जाति बताया है, अल्पसंख्यक को जाति नहीं बताया, इन्होंने खास वर्ग के लिए। आज ये कह रहे हम 50% से रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ाएंगे,
दादा बढ़ाने के बाद फिर उसको काट कर 90% तक ले जाएंगे तो SC ST का काट कर उनको देना चाहते हैं। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि राशन का वितरण 5 साल तक चलता रहेगा, तो भाजपा ये कहे सुनिश्चित कर चुकी है कि 5 साल तक वो लोग गरीब रहेंगे और उन्हें राशन देना ही पड़ेगा। ये नहीं है, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि गरीबी की रेखा, अभी आप देखेंगे नीति आयोग का जो आया है, पहली बार इस देश में 25 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। स्कीम है जारी रहेगी अगले 5 साल। मंत्री जी, आपने जो मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाया है, इसमें केवल कांग्रेस ने जो कहा केवल मुसलमानों को साधने साथियों नजर आ रहे हैं, तो माओवादी सोच, माओवादी सोच के तहत देश के लोगों की संपत्ति को हड़प करके उसको बांटना चाहते हैं, तो क्या लगता है ना SC ST OBC महिलाएं भी छटक जाएंगे, सारे वोट छटक जाएंगे, तो इससे कभी सत्ता में आ पाएगी क्या कांग्रेस इस मैनिफेस्टो से? वो तो उसको इसलिए कहा ना, इसलिए तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरह जो उनका हेडेड एजेंडा है, जो माओवादी सोच है, देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को बांट कर खास लोगों में बांटना चाहते हो, ये तो बात है। आप लोगों ने अपना समय दिया, हम देख सकते हैं।